ये बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के थानों में नया फरमान आया है। हम आपको बता दें, गैर हिंदी भाषा शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जैसे उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द नहीं होंगे इस्तेमाल। वही हम आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है, जहां तहरीर ताजीराते हिंद, दफा संगीन, इस्तगाफा, कत्ल, तफ्तीश, दस्तयाब जैसे शब्दों पर रोक लगा दी गई है। वही बता दें, इनकी जगह मानक हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के थानों में नया फरमान आया है, जहां गैर हिंदी भाषा शब्दों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के थानों में नया फरमान आया है और गैर हिंदी भाषा शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें, उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द अब नहीं होंगे इस्तेमाल। वही पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है, जहाँ तहरीर ताजीराते हिंद, दफा संगीन, इस्तगासा, कत्ल, तफ्तीश, दस्तयाब जैसे शब्दों पर रोक लगा दी गई है। हम आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय ने यह निर्देश जारी किया है कि गैर हिंदी शब्द नहीं प्रयोग किए जा सकते, जैसे तहरीर ताजीराते हिंद, दफा संगीन, कत्ल, तफ्तीश, दस्तयाब जैसे शब्दों पर रोक लगा दी गई है। भैया हम आपको बता दें, इनकी जगह मानक हिंदी शब्दों का होगा उपयोग। वही हम आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है, जहां गैर हिंदी भाषा शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वही इनकी जगह मानक हिंदी शब्दों का अब से उपयोग किया जाएगा।